सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे जीपीएस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, स्कूल रीओपन की डेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है बहुत सारे स्टूडेंट को, और बहुत सारे स्टूडेंट में से रोज़ाना पूछते हैं कि सर स्कूल्स कब रीओपन होगी, सर फाइनल डेट कब आएगी स्कूल रीओपन होने की। और बहुत जगह न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ आ रही कि सितंबर 5 तक गवर्नमेंट स्कूल खोलने के लिए एक गवर्नमेंट अपनी पर्सनल गाइडलाइन दे सकती है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ये भी कह रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक से स्कूल्स ओपन कर दिए जाएंगे बोर्ड स्टूडेंट के लिए, मतलब क्लास 10th और 12th के स्कूल्स ओपन हो जाएंगे सितंबर फर्स्ट वीक से। बहुत सारी जगह बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हो रही है स्कूल रीओपन करने के लिए पॉलिटिक्स। आपको गाइज पता है इंडिया में पॉलिटिक्स कितनी हाई लेवल पे होती है हर एक टॉपिक के अंदर। अब गाइज स्कूल खोलने पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, किस तरीके से हो रही है, क्या क्या बातें हैं, सारी बातें गाइज आज वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपकी सभी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स के डाउट सॉल्व करने के लिए आ गया डाउट नेट ऐप। इस ऐप के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो। विद इन 3 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐप 6th to 12th नीट IIT-JEE मेन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करो। तो गाइज, मैं आप सभी को बता दूं कि स्कूल रीओपन करने के ऊपर अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया, लेकिन उसको आपको ये भी बात पता होगी कि स्कूल रीओपन करने का फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट अलग डिसीजन दे रही है अपनी तरफ से। जैसे गाइज, अभी दिल्ली ने कहा कि हम ओड इवन तरीके से स्कूल्स को रीओपन करेंगे। उधर ही राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्कूल रीओपन तो करेंगे लेकिन हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद रखेंगे, मतलब बसेस ऑटोज वगैरह को बंद रखेंगे, बच्चों को खुद पैदल या फिर पेरेंट्स के साथ में स्कूल जाना पड़ेगा। इधर का हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि हम स्कूल रीओपन तो करेंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी ऑन रखेंगे, लेकिन हम बच्चों को स्कूल्स के अंदर जो टॉयलेट होते हैं इनका यूज़ नहीं करने देंगे। तो गाइज, इसका तो मेरे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछना है हरियाणा गवर्नमेंट से कि बच्चा बाथरूम नहीं जाएगा तो कैसे स्कूल में 6 घंटे बिता सकता है। अब इसके ऊपर क्या थिंकिंग है, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा डीप में बात नहीं करूँगा। इधर ही अब एक स्टेट और है, उनका कहना है कि हम बच्चों की स्कूल तो रीओपन करेंगे लेकिन सिर्फ हाफ डे रखेंगे, मतलब 3 घंटे 4 घंटे ही स्कूल्स को रीओपन करेंगे। मतलब हर एक स्कूल रीओपन के ऊपर हर एक स्टेट का अलग कहना है। तो गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अब एक डिसीजन देना पड़ेगा। अब हर एक स्टेट अलग कह रहा है तो इस तरीके से इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट अलग अलग चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। इंडिया एक कंट्री है तो सारी जगह एक ही रूल अप्लाई होगा। तो अब गाइस, इसी के ऊपर बात चल रही है, अगर ओड इवन तरीके से फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ओड इवन तरीके का, तो इसके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट अगेंस्ट में आ जाती है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट का रूल फॉलो किया जाता है तो हरियाणा गवर्नमेंट अगेंस्ट में आ जाती है। हरियाणा गवर्नमेंट का रूल की अप्लाई किया जाता है तो इस पे दूसरा स्टेट अगेंस्ट में आ जाता है। तो मतलब पॉलिटिक्स हो रही है। बट गाइज, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि स्कूल्स खुलने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, आपको ऑनलाइन स्टडी से ही अभी काम चलाना पड़ेगा। मैं आपको रियलिटी गाइज ही बता रहा हूँ, कोई न्यूज़ चैनल आपको कुछ भी कहेगा, बट मैं गाइज आपको डीप रियलिटी बता रहा हूँ। अभी जैसे डेट्स पास में आएगी, लोग कहेंगे सितंबर में स्कूल खुलेगा, फिर कहेंगे सितंबर में नहीं खुलेगा, लेकिन गाइज जो रियलिटी वो आपको पता है कि अभी स्कूल खोलना सही डिसीजन नहीं है, और ना ही अगर स्कूल खुल भी जाएगी तो पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजेंगे। तो गाइज, आप सभी को वेट करना पड़ेगा कम से कम दिवाली तक का। जैसे दिवाली आएगी उसके बाद में कुछ चांसेस बन सकते हैं स्कूल रीओपन करने की, बाकी अब तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। गाइज, मैं आप सभी की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, इसके ऊपर गाइज अब अपने कुछ कर भी नहीं सकते, ऑनलाइन स्टडीज के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी गाइज, मैं आप सभी के लिए एक काम कर सकता हूँ कि मेरी तरफ जितना हेल्प हो सकती है आपकी पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी को गाइज मैं अच्छे YouTube चैनल बताऊंगा जिससे आप अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, अन अकेडमी के डाउटनेट के अच्छे से टीचर्स के नाम बताऊंगा जो आपको फ्री में स्टडी प्रोवाइड करेंगे। मतलब गाइज, जो भी जानकारी मैं अपने चैनल पर शेयर कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, अगर गाइज मेरे पास स्कूल रीओपन पर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। गाइज, इस वीडियो को मेरे फ्रेंड से शेयर करना जिससे उनको भी स्कूल रीओपन की पॉलिटिक्स पता लग सके। तो गाइज, इस वीडियो में इतनी, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए।